वेलकम टू अनुज क्विक रेसिपीज एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ट्रेडिशनल बंगाली रेसिपी भिंडी की, भिंडी सोरसे पोस्तो। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पर इसके पहले, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हो या आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो फिर देर ना करें, फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो देखते हैं भिंडी सोरसे पोस्तो के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए 10-12 भिंडी, जिसको मैंने दो पीसेस में काट लिया है बीच से, एक मीडियम साइज आलू और आधा मीडियम टमाटर। दो तीन चम्मच सरसों का तेल, आप कोई और तेल भी यूज कर सकते हैं, पर बंगाल में ट्रेडिशनली सरसों तेल ज्यादा इस्तेमाल होता है। आधी चम्मच कलौंजी, एक सूखी लाल मिर्च और एक हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, चुटकी भर हल्दी पाउडर, ज्यादा नहीं चाहिए हमें, और चुटकी भर ही चीनी। और हमें चाहिए 1.5 चम्मच पोस्ता या खसखस और 1.5 चम्मच सरसों, जिसको हमने 2.5-3 घंटे तक पानी में भिगोकर रख दिया था। तो सबसे पहले हम पोस्ता और सरसों को पानी से निकालकर उसमें हरी मिर्च, हल्दी और नमक डालकर एक ब्लेंडर में इसको पेस्ट बना लेंगे। एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है, तो थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे हम इसमें। और अब इसको पीस लेंगे। अब कढ़ाई में डालेंगे 2.5 चम्मच सरसों तेल और उसमें भिंडी को डाल के हमें फ्राई करना है, जब तक हमारी भिंडी ब्राउन ना हो जाए और पक ना जाए। देखिए भिंडी का कलर चेंज होने लगा है और भुनते भुनते जब ऐसी हो जाएगी हम इसको निकाल लेंगे। अब इस तेल के अंदर हम डाल देंगे हमारे कटे हुए आलू और इनको भी हमें भून लेना है। थोड़ा सा नमक डालेंगे आलू में ताकि ये जल्दी पक जाए, और आलू भी जब ब्राउन हो जाए और लगभग पक जाए, ढक के पका लिया हमने, लगभग पक जाए तब हम इसको निकाल लेंगे। फिर तेल में डालेंगे हम कलौंजी, सूखी लाल मिर्च, और हमारे कटे हुए टमाटर। हल्का सा हमें इसको हल्का सा बस 1 मिनट तक थोड़ा चलाना है, जिससे थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट हो जाए। हल्का नरम हो गया टमाटर, अब हम इसमें पोस्ता का पेस्ट डाल देंगे। अगर गाढ़ा है तो ग्राइंडर में पानी डाल के पूरा पेस्ट हम डाल दे सकते हैं इसके अंदर। ये हमारा पेस्ट है। इसमें हल्दी बहुत मिनिमम पड़ती है, बहुत ज्यादा हल्दी हमें डालना नहीं है। अब इस पेस्ट के अंदर हम हमारे फ्राई किए हुए आलू के टुकड़ों को डाल देंगे और 4 से 5 मिनट तक हम इसको पका लेंगे।
चार पांच मिनट तक पका लिया मैंने इसको। और अब सरसों और पोस्ता का जो कच्चा टेस्ट है वो भी चला गया है। अब डाल देंगे इसमें थोड़ी सी हमारी चीनी और फाइनली हमने जो भिंडी रखी है फ्राई करके वो भिंडी इसमें हम ऐड कर देंगे और भिंडी को इस ग्रेवी में अच्छे से कोट कर लेंगे। बस हो गई हमारी भिंडी शोरशे पोस्ता तैयार। तो जरूर ट्राई करें और मुझे जरूर बताएं कैसी लगी, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।